राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है दादाजी के ढाबा में। बहुत दिनों से आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि मसाला भिंडी हम बनाएं, तो आज हम आप लोगों के साथ मसाला भिंडी शेयर कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। और पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, हमने 2.5 किलो भिंडी दिया है और इसको बढ़िया से हम भिंडी को धो देंगे पूरा पानी में डुबा के। और आपको भिंडी के मसाले में जैसे भी भिंडी शेप काटना हो आप काट सकते हैं। जो भी आप कमेंट्स करते हैं उसका धीरे धीरे मैं कोशिश करता हूं कि आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूं, और जो भी आप करेंगे उसका भी कोशिश करूंगा कि बना के अपलोड करूं। दोस्तों, मैंने एक नया चैनल खोला है जिसका नाम है मेरे हाथ का स्वाद। उस पर मैं घर के किचन में जो वीडियो बनाऊँगा वो डालूँगा, और जो मेरे अपने ढाबे पर जो मैं बनाता हूँ आपके लिए रिक्वेस्टेड वीडियो, वो मैं लाल जी के ढाबे पर डाला करूँगा। और नहीं तो आप सजेस्ट कीजिए हमें कि हम कौन सा वीडियो किस पर डालें। और मेरा पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, भिंडी को हमने जो बड़ा भिंडी है उसको 4 टुकड़ा कर रहे हैं ऐसे बीच से फाड़ फाड़ के, और छोटा भिंडी है उसको 2 ही टुकड़ा हम करेंगे बीच से फाड़ के। भिंडी को बढ़िया सा सूख जाने दीजिए, पानी इसमें बिल्कुल न रहे धोने के बाद। और सुखाने के बाद इसको 1-2 घंटे हवा में बढ़िया से सुखा दीजिए और भी, कि ताकि भिंडी लसलसी ना हो बनाते समय। तो देखिए, हमने सारा भिंडी ऐसे ही धो के काट दिया और बीच से फाड़ दिया है। और देखिए, हम इसके लिए 100 ग्राम काली सरसों, 100 ग्राम लहसुन और 10-12 हरी मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच जीरा है, स्वाद अनुसार नमक और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, और सरसों तेल हमने दिया इसको फ्राई करने के लिए। ये देखिए, जो 10-12 हरी मिर्च जो रखा है उसको डंठल तोड़ के हमने मिक्सी में डाल दिया है, और लहसुन का भी जो हमने 50 ग्राम से करीब लिया है उसको भी छील के और मिक्सी जार में डाल दिया है। और यहीं पे जो हम 100 ग्राम सरसों जो रखे हैं, काली सरसों, आपके पास काली सरसों नहीं है तो पीली सरसों भी डाल सकते हैं, ले लिया है। और इसी में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना देंगे हम। देखिए, हमने थोड़ा पानी डाल दिया और इसको पीस देंगे। और यहीं पे हम 4 टमाटर भी इसको मोटा मोटा काट के डाल देते हैं, और इसको हम बढ़िया सा पेस्ट बना देंगे। भिंडी की जो मसाले वाली सब्ज़ी हमें बता रहे हैं आपको, ये खाने में इतना लजीज है कि पराठे रोटी के साथ तो आपको अगर 4 रोटी का भूख हो तो आप 5 रोटी खा लेंगे। ये देखिए, हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है, और इसको हम एक तरफ हटा देते हैं। और देखिए, हमने कढ़ाई दिया है, उसमें सरसों का तेल हम डाल रहे हैं। 2.5 किलो भिंडी हमारा है तो इसमें हम 200 ग्राम सरसों का तेल डाल रहे हैं। आप 250 ग्राम भी डाल सकते हो, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो आपकी भिंडी की सब्ज़ी टूटेगी नहीं, क्योंकि इसमें लसा नहीं होना चाहिए भिंडी की सब्ज़ी, और एक में दूसरा पीस में चिपकना नहीं चाहिए। अगर सूखी भिंडी आप बना रहे हैं मसाले वाली तो वही खाने में मज़ा आता है। और देखिए, यहीं पर हमें 1 छोटा चम्मच जीरा दिए हैं, इसको भी थोड़ा सा भून देंगे, मतलब गोल्डन ब्राउन कर देंगे। तो देखिए, हमारा ये जीरा भून गया है। और यहीं पे जो हम सरसों, लहसुन और हरी मिर्च और टमाटर डाल के जो पेस्ट बनाए थे उसको यहीं पे हम बढ़िया से भून देंगे, ताकि क्योंकि भिंडी में तो पानी डालना नहीं है तो मसाले को पहले ही भून दें। और जो जार में मसाला चिपका होता है उसी में थोड़ा सा हम पानी डाल के और पूरा मसाले को निकाल दिए हैं। और देखिए, हम इसको, ये हमारा गैस का फ्लेम है, लो टू मीडियम है, ज़्यादा हाई ना करें मसाला भूनते समय, क्योंकि मसाला जल जाता है। तो इसको लो से मीडियम ही रखें और बढ़िया से मसाले को भून दें। और यहीं पे हम जो 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालना था वहीं पर डाल दिए हैं, और 1 चम्मच लाल मिर्च डाल रहे हैं। आपको लाल मिर्च अगर कम पसंद हो, क्योंकि हमने हरी मिर्च ऑलरेडी इसमें 12-13 पीस डाल रखा है, तो अगर मिर्च आपको कम पसंद हो तो आप लाल मिर्च को अवॉइड भी कर सकते हैं, नहीं तो हरी मिर्च आधा डाल दें और आधा मिर्च लाल डाल दें। और जो हमने मिक्सी जार में पानी डाल के मिक्सी को साफ़ किया था, मसाले जो चिपके हुए थे वो इसी में हमने डाल दिया है, कि एक तो पानी भी इसमें आ गया और मसाला बढ़िया से भून जाएगा। और जितना ही मसाला बढ़िया लो फ्लेम पर भूनेंगे आपकी भिंडी की सब्ज़ी उतना ही मस्त बनेगी। तो देखिए, हमारा मसाला भून चुका था, तेल छोड़ रहा था, तो यहीं पर हम भिंडी को जब फाड़ के, देखिए भिंडी मेरा बिल्कुल सूखा हुआ है, तो वैसे आप भिंडी अगर सूखा रखते हैं तो आपका भिंडी एक में एक नहीं चिपकेगा, एकदम खुला खुला भिंडी बनेगा। तो कितने बच्चों को या बड़ों को लसलसा भिंडी की सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो आप भिंडी काटने के बाद भिंडी को बढ़िया से 1-2 घंटे पंखे में सुखा दें,
अगर आपको लसलसा नहीं बनाना है तो, या धूप हो तो धूप में थोड़ा 10-5 मिनट सुखा दें। तो देखिए हमारा भिंडी कितना बढ़िया भुना हुआ है, और इसको हम अभी फ्लेम लो ही रखे हैं और इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे। और ये मुश्किल से भिंडी कढ़ाई में लो फ्लेम पे 10 मिनट रखेंगे तो आपका ये भिंडी बढ़िया से भून जाएगा। और भिंडी को चलाते रहें ताकि नीचे से ना लगे। और देखिए हमने गैस अभी मेरा जल ही रहा है क्योंकि भिंडी भुना नहीं है। देख लीजिए अब यहीं पर हम डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक आप पहले नहीं डालें क्योंकि ये भिंडी फिर जिबजिबी हो जाएगी। नमक को सब भूनने के बाद डालें ताकि एक दो बार चलाएं 3 बार और नमक मिल जाए। तो देखिए हमारे कितने क्रिस्पी भिंडी बनकर तैयार हुई है। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।